पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं उस हाईटेक बस की जिसमें बैठकर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। इसके अलावा संजय झा है इस बस में और रोजगार एक सबसे अहम मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर बस का कैंपेनिंग जो है वो भी किया गया है। बिहार शरीफ में कौशलेंद्र कुमार जो की जेडीयू की टिकट से प्रत्याशी है और विवेक ठाकुर जो की नवादा में बीजेपी की टिकट से प्रत्याशी है, उन दोनों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। रथ पर लिखा हुआ है पूरा बिहार हमारा परिवार और रथ से प्रचार की शुरुआत नीतीश ने नवादा और नालंदा से की। नीतीश कुमार के रथ से प्रचार करने को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहे हैं तो अच्छी बात है। और हम लोग वजह भी जान रहे हैं कि क्यों रोड शो पे उनको भेजा जा रहा है। असल में पिछले दिनों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवादा में रैली की थी, उस रैली की एक तस्वीर वायरल हुई। तेजस्वी यादव ने दावा किया मंच पर नीतीश ने मोदी के पैर छुए। उसी रैली में नीतीश ने 400 पार की जगह 4000 सीटों पर वाला बयान दिया। अब इन्हीं वजहों से विपक्ष नीतीश पर निशाना साध रहा है। 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे। तो जाते हैं तो 4000 से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को एनडीए को नुकसान हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए इतना गर्मी का समय है। बिहार में पहले फेज में 4 सीटों पर चुनाव है, आज तीसरे फेज के चुनाव का नामांकन शुरू हुआ है। चुनाव के सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर 4 जून को देखेंगे।